राष्ट्रीय जनता दल के श्याम रजक ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं और बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। श्याम रजक ने कहा कि 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और ये जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हावी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के 6 एमएलए को उन्होंने अपने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल यू के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण, तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं, समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। हम उस तरह के नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वही लोग रहे कि जो उस बात को संकल्प के साथ करने का काम करे। इसीलिए और कोई तिथि नहीं, लेकिन बहुत जल्द जनता दल के एमएलए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का काम करें। आपको बता दें 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। नवंबर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 और आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। अगर ऐसे में जेडीयू के संख्या बल में जरा भी परिवर्तन होता है तो नीतीश सरकार खतरे में पड़ सकती है। न्यूज डेस्क।